हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट निकाला गया है, मैट्रिक रिक्रूटमेंट। ठीक है, टोटल 350 वैकेंसीज है, 350 वैकेंसीज है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। कब आपका, किस बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा, कितने प्रतिशत स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, कितना, सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट है इसमें टोटल 350 वैकेंसीज़ है। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में। और यहाँ बताया जा रहा है 1750 मीन्स 5x कैंडिडेट को लगभग बुलाया जा रहा है। ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट होगा उससे 5x कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उसको मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है रिटन एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। सभी को नहीं, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। चीफ स्टीवर्ड एंड हाइजीनिस्ट पोस्ट में आपका रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 6 जुलाई को आया। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग हो जाएगा 19 जुलाई को, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग हो जाए 23 जुलाई को। लगभग 4 दिन के लिए आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। उसका रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, मतलब जब भी रेशन करते हैं तब आएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। एंड सेलर एमआर मेरिट लिस्ट जो अनाउंसमेंट होगा कब होगा उसके बारे में बताया नहीं गया। कोर्स एनरोलमेंट यहाँ बताया जा रहा है 2021 में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया जाए रिक्रूटमेंट जो है 10th एग्जामिनेशन आपने पास किया तो इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि क्या कुछ आपको सिलेबस रहेगा, सिलेबस 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा। एंड यहाँ बताया जा रहा है इंडियन नेवी 2021 रिक्रूटमेंट, रिटन टेस्ट होगा, साइंस मैथमेटिक्स रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेंगे। तो टोटल आपको आधा घंटे टाइम दिए जाएंगे। नोट यहाँ पे बताया गया है कि बाई लैंग्वेज रहेगा, बाई लैंग्वेज मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पे साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज रहेंगे। यहाँ पे 10th लेवल का क्वेश्चन होगा, ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स का रहेगा। ऑल कैंडिडेट टू रिटन एग्जाम वुड बी सब्जेक्ट टू पीटी इन द सेम डे। ठीक है, उसके बाद अगर जो रिटन एग्जाम जिस दिन होगा पीटी उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए कोविड-19 का। ठीक है, रिपोर्ट शुड बी मैक्सिमम 72 घंटे पहले के होना चाहिए, उससे पहले के अगर होगा तो नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे सिलेबस अगर डिटेल्स देखा जाए तो इंडियन नेवी रिटन टेस्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स सिलेबस, नेचर, मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट, आर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, साउंड, वेव, मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा, आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल, सिमुलेशंस, इक्वेशंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेजरेशंस। यहाँ पे इंडियन नेवी के तरफ से जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में जियोग्राफी, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, स्पोर्ट्स, लैंड्स, यहाँ पे आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें स्नैप स्मार्ट चैंपियंस, विनर, टीम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पॉट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज, कैपिटल, करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल नेम्स। उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि आपको रनिंग में देखा जाए तो 1.6 किमी जो रन होगा वो 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। स्क्वाड्स 20 स्क्वाड आपको करना होगा, उठक बैठक जिसको बोला जाता है, पुशअप 10 है। एंड यहाँ पे जो है 450 कैंडिडेट को पीईटी के लिए मतलब कॉल लेटर आएगा। कैंडिडेट विल बी इशूड द कॉल अप लेटर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आपको जो है 100 लोगों को ज़्यादा बोला जाएगा जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा। एंड मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड उसका लगा जाएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड में बताया गया है कि हाइट रहेगा 157, वेट एंड शुड बी चेस्ट प्रोपोर्शनेट। यहाँ पे बताया जा रहा है मैक्सिमम चेस्ट रहेगा 5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे कुछ बताया गया है, यहाँ पे आई का रॉज आई, बेटर आई, रॉज आई विथ, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, इसमें स्नैपशॉट ले लीजिएगा। टैटूज के बारे में बताया गया है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन द इनियर फेस ऑफ फॉरनर्स। नोट द ऑल्सो रीड, यहाँ पे कुछ अपडेट बताया गया है, आप इस अपडेट को अगर जानना चाहते हैं तो मुझे बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो बताएं। इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।